हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं अपना मेथड्स ऑफ रिसर्च। अगर किसी ने भी पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उन लेक्चर्स को देख लीजिए। उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए आज का लेक्चर नंबर 4 मेथड्स ऑफ रिसर्च पार्ट 1 शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड में क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमारे जो रिसर्च है वो किस किस टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट रिसर्च। आज हम ये वाले सारे मेथड्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये मेथड्स क्या होते हैं और किस तरह से एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम नेम से देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, ठीक है। किसी को हम चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव हुआ। अब देखते हैं कि इसमें रिसर्च कैसे यूज़ होती है। द टर्म डिस्क्रिप्टिव इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड द रिसर्च दैट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन एंड इवेंट एंड एन इंस्टीट्यूशन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव टर्म का मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब खुद से कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना, और ऐसी कोई रिसर्च जो हमें क्या डिस्क्राइब करेगी, सिचुएशन डिस्क्राइब करेगी, मान लो कोई इवेंट है वो डिस्क्राइब करेगा, या कोई भी इंस्टीट्यूशन मान लो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाते हैं। मतलब हम जो भी कोई सिचुएशन देखेंगे, कोई इवेंट देखेंगे, जब हम खुद के सेल्फ टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे, वही क्या हो जाएगा? हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाट इज और व्हाट वाज। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें कैसे क्वेश्चन के आंसर देती है कि क्या है और क्या था, मतलब पहले क्या था और अभी हमने क्या देखा, वो सारे के सारे आंसर्स हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मिल जाते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथड। ये क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथड होते हैं, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च हम आगे वाले मैथड्स में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। Here the information is collected without changing the environment, that is nothing is manipulated. Descriptive research में जो भी information हम collect करते हैं उसमें हम कोई भी environment को change नहीं करते, मतलब कोई भी data है उसको manipulate नहीं करते। जिस form में वो data होता है उसी form में हम data को, उसी form में हम information को क्या कर लेते हैं? Collect कर लेते हैं। The main aim of descriptive research is to make proper and logical description of the subject or problem under study by collecting true, realistic and reliable material. मेन एम क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, कि हम क्या करते हैं? टू मेक प्रॉपर एंड लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम। जो भी हमारा सब्जेक्ट है या जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन हम वहाँ पे देते हैं, क्या कलेक्ट करके? ट्रू, रियलिस्टिक और रिलायबल मटीरियल करके। मतलब जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल रियल होगी, बिल्कुल ट्रू होगा, और जो भी मटीरियल, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल क्या होगा? रिलायबल होगा। तो यही मेन एम क्या होता है हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। नेशनल सैंपल सर्वेस एंड सेंसस कैन बी टेकन एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे और सेंसिस है वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि सेंसिस की बात करके चले यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? सेंसिस को जनगणना, जो हर 10 सालों में कंडक्ट होती है, ठीक है। अपन को पूरी की पूरी सिचुएशन वहाँ पे अनवील हो जाती है कि क्या सिचुएशन है, क्या पॉपुलेशन है जिसकी भी हम स्टडी करते हैं। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसकी क्या की जाती है? स्टडी की जाती है, बिल्कुल नए मटेरियल के साथ और रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन के साथ में इसकी रिसर्च होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे।
When we study a problem for the first time, then first of all we have to conduct descriptive research. जब भी हम कुछ study कर रहे होते हैं, किसी problem को study कर रहे होते हैं first time, तो हम क्या conduct करते हैं? Descriptive research को conduct करते हैं. सबसे important जो method इसमें use होगा पहली बार किसी problem को study करने के लिए वो कौन सा होगा? Descriptive research. तो ये question जो है आपसे exam में पूछा जा सकता है. It is of immense use in the study or new issues or subject. इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्टडी में इसका यूज किया जाता है. मान लो कोई न्यू इश्यूज आपके सामने आते हैं, न्यू सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. इट इंक्लूड्स सर्वेज एंड फैक्ट्स फाइंडिंग्स इंक्वायरीज विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सर्वेज, और कोई भी आपको फैक्ट्स की इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी फाइंड करना हो, वो एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन से हम इसमें कर सकते हैं. For example, in human research, a descriptive research can provide information about the natural occurring health status, behavior, attitudes or other characteristics of a particular group. मान लो human research की बात करें तो descriptive research क्या है? उसमें हेल्थ स्टेटस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा. मतलब कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस के बारे में जाननी है, उनके बिहेवियर के बारे में जाननी है, उनके एटीट्यूड्स के बारे में जाननी है, या जो भी हमने सैंपल चूज किया है उनकी सारी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू हम करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन इन्वॉल्व ए वन टाइम इंटरेक्शन विद ग्रुप्स ऑफ पीपल और अ स्टडी माइट फॉलो इंडिविजुअल्स ओवर टाइम. इसमें दो तरह की आपकी स्टडी होती है, एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी डेटा जब हम एक ही बार कलेक्ट करते हैं, मतलब एक ही बार हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसको फिर हम वापस कलेक्ट नहीं करेंगे. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में होता है कि हमें कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड हम क्या करते रहते हैं? डेटा को वापस कलेक्ट करते रहते हैं. क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एक बार डेटा कलेक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल में हम अपनी जो भी स्टडी के अनुसार, अपने प्रॉब्लम के अनुसार डेटा को कलेक्ट करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज क्लोजली लिंक्ड विद सर्वे, एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी एंड एनालिटिकल रिसर्च, एंड समटाइम्स दीज टर्म्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. अब ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो इन सारी रिसर्च से क्या है? क्लोजली लिंक रखती है, तो इसीलिए ये सारी की सारी रिसर्च किस में आती हैं? हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती हैं. चलिए इनको भी रीड करते हैं. फर्स्ट है हमारी एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च. देखते हैं कि एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है. इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंसेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च हमारी किस में काम आती है? सोशल साइंसेस में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में. इट इज़ कंडक्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ अ फिनोमिना आफ्टर इट हैज़ अकर्ड और एट द टाइम ऑफ इट अकरेंस. ये क्या होती है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च? सबसे पहले नाम पे जाओ. एक्सपोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो का मतलब कि ऑलरेडी जो फैक्ट्स थे वो हमें, हमारे पास में हैं, उसके बाद हम उसकी कुछ स्टडी करते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च. मतलब जो भी हमारे फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं वो अकर हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं. हम बस उस डेटा को क्या कर रहे हैं? उस पर रिसर्च कर रहे हैं. इट बेसिकली डील्स विद नॉन मैन्युपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ अ फिनोमिना. ये किस पे डील करता है? जो नॉन मैन्युपुलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो भी डेटा है उसको किसी भी तरह से कोई भी छेड़खानी या चेंज नहीं किया गया है. इन दिस काइंड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी अकर्ड इन विच द रिसर्चर स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. इन रिसर्च में क्या होता है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो अकर हो चुके हैं, मतलब हम जिस पे डिपेंडेंट रखते हैं, और जिससे वेरिएबल कोई भी फर्क पड़ेगा वहां से हम अपनी ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. तो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में मान लो मैं स्कूल का एग्जाम्पल लेके चलूँ. कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे क्या होता है कि कोई वहां पे खाना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे क्या हो चुके हैं? खाना खा चुके हैं. अब वहाँ का जो भी ऑथर है या प्रिंसिपल है वो मान लो ये चाहता है, मतलब ये देखना चाहता है कि बच्चों के खाने के बाद में, मतलब उनका कैसा बिहेवियर रहता है, कि उनको खाना पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या खाना खाने के बाद बच्चों को नींद आती है, बच्चों का पढ़ने में मन लगता है. तो इसको एग्जाम्पल को क्या कहेंगे? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्योंकि वो जो घटना थी वो हो चुकी है, वो बच्चे खाना खा चुके हैं. अब उसके बाद में हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चों के खाना खाने के बाद बच्चों का बिहेवियर और एटीट्यूड क्या है. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च.
नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च की। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नाम से ही पता चल रहा है, हिस्ट्री बेस्ड मतलब जो पुरानी इन्फॉर्मेशन मान लो हमें कुछ चाहिए हो तो। इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड सम वट सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है और कुछ कुछ सिमिलर है हमारे किससे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से। इट यूजुअली फोकसेस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ अ इश्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। ये किस पे फोकस करता है, हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे, मतलब पुरानी चीज़ें जो हो चुकी है। कोई भी हम इशू लेकर आते हैं, कोई भी हमें किसी चीज़ में दिलचस्पी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो इसमें हमारी वो काम आती है। एग्जाम्पल्स आर ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, इवेल्यूएशन ऑफ मॉडर्न इवेल्यूएशन सिस्टम इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया का मतलब ग्रोथ हुई है, इसका मतलब पहले पहले के डेटा को हम देखेंगे कि पहले हमारे इंडिया में ट्रेड यूनियंस कितने थे, उसी के बाद में हम देख पाएंगे कि कितनी ग्रोथ हुई है। और इवेल्यूएशन ऑफ मॉडर्न इवेल्यूएशन सिस्टम का मतलब कि कुछ नई टेक्निक्स मान लो आई है तो हम पहले देखेंगे कि पहले की टेक्निक्स क्या थी, उसके डेटा के बेसिस पे हम आज की रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। मतलब जो हमारे पास में फैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, पुराने होंगे, उसी के बेसिस पे हम नई ऑब्जर्वेशन और नई इन्फॉर्मेशन को वहाँ से निकालेंगे। नेक्स्ट इसमें आती है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब इन दिस मैथड द रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। एनालिटिकल का मतलब क्या हो गया, एनालिसिस करना, नेम से पता चल रहा है एनालिसिस। तो क्या है कि रिसर्चर के पास क्या है, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसी को क्या कहते हैं, एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल, कि जो भी उसके पास में मटेरियल अवेलेबल है उसका बिल्कुल अच्छे से जब इवैल्यूएशन करना ताकि उसमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आ सके, उसी को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं, कि जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है उसका क्या करना, एनालिसिस करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सर्वे रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इक्वेटेड विथ सर्वे रिसर्च। यहाँ पे भी हमारा सर्वे रिसर्च किस में इंक्लूड होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। इट इज़ बेटर टू कंसिडर सर्वे एज वन कैटेगरी ऑफ रिसर्च अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम सर्वे रिसर्च को किसके कैटेगरी में डालते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। सर्वेज आर कंडक्टेड टू क्रिएट ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन फिनोमिना दैट हेल्प कैरिंग आउट सिचुएशनल एनालिसिस डायग्नोजिंग प्रॉब्लम्स एंड मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड इंटेलिजेंट प्लान्स फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन। सर्वेज किस लिए काम आते हैं, एक्चुअली सर्वेज होते क्या हैं, पहले हम कोई भी डेटा कलेक्ट किया उसके बाद हम जब सर्वे करते हैं अलग अलग लोगों के पास जाके, अलग अलग ग्रुप से मिलके, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो भी हम प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, कैसे हम मतलब जो भी सिचुएशनल एनालिसिस उसमें कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ डिसीजंस निकाल के उसको और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर्वेस इसीलिए होते हैं कि हम डोर टू डोर सर्वेस भी करते हैं, कोई ग्रुप बना के सर्वे भी करते हैं, उसी से हमें क्या पता चलता है, उसकी डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है। रिसर्चर नीड्स टू कलेक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ सर्वे। रिसर्चर क्या करेगा, डेटा को वैसे ही कलेक्ट करेगा जिस तरह से उसका सर्वे का पर्पज होगा, जिस तरह का सर्वे उसको चाहिए होगा, जिस तरह की प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना है, वैसे ही लोगों से वो क्या करेगा, मिले जाके मिलेगा और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, सर्वे रिसर्च। ये थी हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है हमने वो पढ़ा और उसके कुछ पार्ट्स हमारे जो उसके अंदर रिसर्च आते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आती है हमारी कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब आइए देखते हैं। द पर्पज ऑफ दिस रिसर्च इज टू एक्सप्लोर वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू असर्टेन द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप्स। सबसे पहले क्या है कि हम इसके वर्ड पे ही जाते हैं, कोरिलेशनल। कोरिलेशनल का मतलब रिलेशनल, दो लोगों के बीच में मान लो कोई भी दो वेरिएबल हैं उनके बीच में ये पता करना कि कोई रिलेशन है या नहीं है, मतलब वो एक दोनों एक दूसरे से कोई रिलेट रखती हैं या नहीं रखती हैं। तो ये क्या होता है, कोरिलेशनल, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि कोई भी मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा इंटरडिपेंडेंस है या क्या क्या फीचर्स है या फिर कैसी डिग्री है उन दोनों के रिलेशनशिप्स के बीच में।
The value of correlational research is to discover relationship among phenomena with a view to predicting and in some situations controlling their occurrence. जो हमारी correlational research है वो क्या discover करती है? Relationships उनके बीच में जो भी variables है predict करती है कि मतलब ऐसा relation इन दोनों के बीच में निकल सकता है और उनकी occurrence को भी क्या करती है? Control करती है. मान लो कि ऐसे कोई correlation relation उसमें निकल रहा है जो हमारी research में काम आ सकता है तो हम उसको use करेंगे नहीं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. इट एनेबल्स अस टू मेजर द एक्सटेंट टू विच वेरिएशन इन वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद वेरिएशंस इन अनदर. ये क्या करती है, हमें इस तरह से मतलब बताती है कि क्या वेरिएशंस है एक वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल से किस तरह से वो वेरिएट कर रही है. इट एनेबल्स अस टू मेजर द एक्सटेंट टू विच वेरिएशंस इन वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद वेरिएशंस इन अनदर. एक वेरिएबल का वेरिएशन दूसरे वेरिएबल के वेरिएशन से कैसे एसोसिएट करता है. तो यही क्या होता है, कोरिलेशनल रिसर्च. ये कोरिलेशन हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते आए हैं मतलब, तो उसमें भी हम क्या होते हैं, हमारे पास में दो वेरिएबल होते हैं और हम उनकी डिग्री को चेक करते हैं. वैसे ही यहाँ पे रिसर्च को चेक किया जाता है. अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स. कोरिलेशनल स्टडीज आर जनरली इंटेंडेड टू आंसर द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस. जो कोरिलेशनल स्टडीज में है वहां पे हमारे थ्री क्वेश्चंस निकल कर आते हैं. फर्स्ट, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. कोई भी हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं या टू सेट्स ऑफ डेटा लिए हैं, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? इफ येस देन टू अदर क्वेश्चंस फॉलो. अगर उसका आंसर येस निकलता है मतलब हाँ इन दोनों के बीच में कोई वेरिएबल है मतलब कोई रिलेशनशिप है, तो हम दो क्वेश्चंस का आंसर और देंगे. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप एंड इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. कि उस रिलेशनशिप का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप एज इंडिकेटेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. जब हमने कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकाला तो उसका उनके रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है. अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन की बात क्या होती है, पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव होता है जब एक्स वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा होता है और वाई वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा होता है. नेगेटिव में कम होगा और दोनों कम होंगे तो कैसा रिलेशनशिप आएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा, कम या ज्यादा. मान लो एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है तो कैसा रिलेशनशिप आएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप. द कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स विद हेल्प टेस्ट रिसर्चर्स हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप. वही सेम बात आई है कि कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स में रिसर्चर्स क्या टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है और उसके रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है. तो कोरिलेशन में यही हुआ कि हम दो वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन करने से बेसिस है ये. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू हेल्प अस फाइंड द प्रॉब्लम दैट वॉज नॉट स्टडीड बिफोर इन डेप्थ. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि हमें उस प्रॉब्लम का पता चले जो पहले बहुत डेप्थ में स्टडी नहीं की गई हो. स्टडी उस पर हुई है लेकिन अंदर के फैक्ट्स अभी हमें नहीं पता है, तो उस चीज़ों को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करती है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. इट इज नॉट यूज टू गिव अस सम एविडेंस बट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली. अब ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कंक्लूसिव एविडेंस प्रोवाइड कर ही देगी मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें क्या करेगी, ये हेल्प करेगी प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या. When conducting the researcher should be able to adapt himself to the new data and the new insight. जब भी ये रिसर्च को हम कंडक्ट करते हैं तो रिसर्चर क्या है, खुद को मतलब बिल्कुल एक तरह से फ्रेश स्टार्ट करता है न्यू डेटा के साथ और न्यू इंसाइट के साथ. मतलब वो सारे के सारे डेटा दोबारा कलेक्ट करता है और सारे के सारे विजन जो ऑलरेडी पहले किसी और ने देखे थे वो दोबारा से उसको फ्रेश स्टार्ट करके अपनी रिसर्च को क्या करता है, कंडक्ट करता है. मतलब प्रॉब्लम वही है, थोड़ी सी स्टडी जिस पे हो चुकी है लेकिन इन डेप्थ स्टडी क्या है, नया रिसर्चर इस पे करता है. इट अटेम्प्ट्स टू आंसर हाउ एंड व्हाई बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और फिनोमिना. ये हमें आंसर करने की कोशिश करता है कैसे और क्यों, कि दो कोई भी एस्पेक्ट्स है उनके बीच में ये आंसर करने की कोशिश करता है कि क्या वो उसकी सिचुएशन है और क्या वो फिनोमिना है.
मतलब किस हिसाब से हमें उस पर स्टडी करना है, किस सिचुएशन पे जाना है, वो हमें सारे ही आंसर बताता है। इट डज़ नॉट एम टू प्रोवाइड फाइनल एंड कंक्लूजिव आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस, बट अलाउज द रिसर्चर टू एक्सप्लोर द रिसर्च विद अ वेरिंग लेवल ऑफ डेप्थ। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये फाइनल और कंक्लूजिव आंसर्स हमें नहीं देगा कोई भी रिसर्च क्वेश्चंस के, बस बट रिसर्चर को क्या करेगा, अलाउ करेगा कि वो कुछ चीज़ों को क्या करे, एक्सप्लोर करे, मतलब उसकी स्टडी की प्रॉब्लम की क्या जाए, गहराई तक जाए और वहां से कुछ ऐसी चीजें निकाल कर लाए जो पहले इसकी स्टडी नहीं की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, वाई एग्जामिनेशन स्ट्रेस लेड टू रोट लर्निंग। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स हैं, वो क्या करते हैं, मान लो कभी कभी उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस के कारण क्या है, वो चीजों को समझने से ज्यादा क्या यूज करते हैं, रट्टा मारना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि हम इसको रट लेते हैं, कल पेपर में ऐसे ही लिख आएंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये कोशिश करना ढूंढने की एग्जामिनेशन स्ट्रेस हमारे रोट लर्निंग की तरफ क्यों जाता है, वाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड टू अ हार्ट डिजीज। अब इसमें मान लो जब हम कोई भी पर्सन ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो उससे कैसे हार्ट डिजीज होने की चांसेस रहती हैं, तो इसी के आंसर्स हम क्या है ढूंढते हैं। मतलब ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज और रोट लर्निंग पे पहले भी स्टडी हो चुकी होगी, लेकिन हमें क्या करना है, इन डेप्थ में इनके जाके स्टडी करनी है, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च उसके लिए बेस्ट रिसर्च मानी जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। इट इज़ जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिसर्च। जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो कब कंडक्ट होती है, हमारे रिसर्च के बिल्कुल बिगिनिंग में, मतलब जब हम रिसर्च स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तब चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या करना, एक्सप्लोर करना। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एंड एरिया वेयर लिटल इज नोन और टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी एंड इज एकिन टू पायलट स्टडी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है और यहाँ पे भी हमें पॉसिबिलिटीज लगती है कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें वहाँ पे मिल सकता है, हम उस एरिया को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होता है, हमारे पायलट स्टडी से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं हम पायलट स्टडी क्या होता है, ठीक है। जब भी हम पूरी की पूरी रिसर्च करने से पहले या जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है, जो भी हमें क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, हम छोटे से ग्रुप के साथ उसको क्या करते हैं, स्टडी करके देखते हैं। मान लो पूरा हमने सैंपल जैसे जयपुर का उठाया, पूरे जयपुर की हमें स्टडी करनी है, तो जयपुर में से हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पर उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस हैं वो मतलब इफेक्टिव तरीके से बने भी हैं या नहीं बने हैं, लोगों का इसमें क्या कहना है। उसके बाद ही हम अपनी रिसर्च को क्या लेके जाएंगे, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर लेकर जाएंगे। तो यही क्या कहते हैं, पायलट स्टडीज को कहते हैं। अ स्मॉल स्केल स्टडी इज अंडरटेकन टू डिसाइड वेदर इट इज वर्थ कैरिंग आउट अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। स्मॉल स्केल स्टडी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है हमारी, स्मॉल स्केल स्टडी, उसको किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है या नहीं, मतलब हम सही दिशा में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें स्मॉल स्केल स्टडी से पता चल जाएगा। इट अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और फिनोमिना। इससे भी हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे और क्यों, मतलब हमारे दो और एस्पेक्ट्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी मतलब हमें कैसे उसको लेकर चलना है, ये एक्सप्लोर हम इस रिसर्च में करेंगे। तो ये कैसे होती है, बिल्कुल बिगनिंग ऑफ रिसर्च में होती है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हम इस रिसर्च को करते हैं ताकि हमें अपनी रिसर्च का पता चल जाए कि ये इफेक्टिव तरीके से होगी या नहीं होगी। लाइक इसमें द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, टू डिफाइन टर्म्स, टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम्स, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू एस्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डेवलप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब हमें पता है कि ये सब चीज़ें हमें स्टार्टिंग में रिसर्च में ध्यान में होनी चाहिए, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से क्या पता चल जाएगा, हमें अपनी प्रॉब्लम की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा, हम अपनी टर्म्स को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं, पूरी रिसर्च प्रायोरिटीज, अपनी ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे क्वेश्चंस हमें उस स्मॉल स्टडी से पता चल जाएगा।
ठीक है, तो यही क्या पर्पस होता है हमारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। मतलब आगे हम अभी मान लो कुछ ना कुछ अपने आप ही बिना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अपने कुछ व्यूज लेकर आते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और बाद में हम देखते हैं कि रिसर्च बिल्कुल इफेक्टिव ही नहीं है, हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर रही होती है। तो इससे बेटर है कि हम पहले ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें और बाद में अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करें। इट मेक्स यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा, मेनली लिटरेचर रिव्यू, एक्सपीरियंस सर्वे, केस स्टडीज, इंटरव्यूज़, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक्सेट्रा। अब एक्सप्लोरेटरी में हम किसका यूज़ करते हैं? ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं। लिटरेचर रिव्यू मतलब जो पहले रिसर्चर्स ने इस पर कुछ स्टडी की है, वहाँ पे उनके सारे रिसर्चर्स के हमें डेटा मिलते हैं, उनके रिव्यूज़ मिलते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं, सर्वेज़ करते हैं, केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ लेते हैं और प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। फोकस ग्रुप्स इंटरव्यूज़ होता है कि हम 6-7 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और वो पर्टिकुलर जगह जाके क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और इस स्टडी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब नेक्स्ट आता है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या देखते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिज़ाइंड फॉर एस्टैब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस लिए डिज़ाइन की जाती है? ताकि हम कैजुअल रिलेशनशिप्स को क्या कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें। इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन कंसर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है, कैसे बिगिन होता है कि हमारे दो और ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हेयर द रिसर्चर डेवलप्स वन और मोर हाइपोथिसिस टू स्टेट द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। यहाँ पे जो भी रिसर्चर है वो एक या एक से ज़्यादा हाइपोथिसिस को डेवलप कर सकता है, ये जानने के लिए कि जो भी नेचर का है वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप नेचर का कैसा है। अब एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हम क्या करके देखेंगे, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमें अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कैसा। द एक्सपेरिमेंट इज द इवेंट प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय द रिसर्चर ट्राइज टू गेट एविडेंस। एक्सपेरिमेंट क्या है, प्लानिंग की जाती है इसके लिए पहले, और रिसर्चर इसको कैरी करता है ज़्यादा एविडेंस लेने के लिए, मतलब उनको ज़्यादा एविडेंस इससे मिले और वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे जा सके, इसलिए वो किसको कंडक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च को कंडक्ट करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंप्लीटेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हमारी एक्सपेरिमेंट रिसर्च किस में कंप्लीट होगी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनको हम कंट्रोल कर पाए। द रिसर्चर कलेक्ट्स डेटा एंड रिजल्ट्स विल आइदर सपोर्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। रिसर्चर क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, उसके बाद में रिजल्ट में या तो हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में हमें पता चलता है, किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज। हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे फर्स्ट है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, मैनिपुलेट होगा। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमने पढ़ा था कि टीचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टीचर के मतलब हम क्या करेंगे, टीचर के हो सकता है हमें मेथड्स को चेंज करना पड़े, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होगा, चेंज हो सकता है। ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। बाकी सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को छोड़कर सबको क्या रखा जाएगा, कॉन्स्टेंट रखा जाएगा, मतलब सेम रखा जाएगा। द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। इसमें क्या करेंगे कि जो भी मैनिपुलेशन हुआ है, मतलब वो हम चेक करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बाद में डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या असर हुआ है, हम यही क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यही क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द वेरिएबल अपॉन विच द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी हम देखते हैं कि हमारे चेंजेस, जिस भी वेरिएबल पे चेंज आया है जो हमने ऑब्जर्व किया है, उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं लेकिन रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट नहीं किया जाता। दो तरीके के वेरिएबल होते हैं इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा इंडिपेंडेंट
वेरिएबल को चेंज करके कि दूसरे वेरिएबल्स पे क्या चेंज आया है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे इस पे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। फॉर एग्जांपल, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अपॉन अचीवमेंट इन रीडिंग, एन इन्वेस्टिगेटर वुड मैनिपुलेट मैथड द डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट वेरिएबल बाई यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मैथड्स इन ऑर्डर टू असरटेन द इफेक्ट ऑफ अपॉन अचीवमेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम जैसे मैंने बात करी थी, यहाँ पे टीचर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हमारा क्या है, टीचिंग जो भी टीचर है वो टीचिंग मेथड को यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको मैनिपुलेट करेगा अपने टीचिंग मेथड्स को, बार बार मेथड्स को चेंज करके देखेगा और ये इफेक्ट देखेगा कि किस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल इसको मतलब चेंज कर रहा है, कि कौन सा मेथड हमारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ रहा है ताकि वही टीचर एंड में अपने मेथड को यूज़ कर पाए। मतलब बार बार मैनिपुलेट करके ये देखना कि स्टूडेंट बेटर लर्निंग किससे कर रहा है। तो ये क्या किया स्टूडेंट ने, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की लर्निंग कैसे इम्प्रूव हो रही है, स्टूडेंट्स क्या हो गए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, कि उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यही हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा लेक्चर नंबर 4, मेथड्स ऑफ रिसर्च पार्ट 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्या है हमारे मेथड्स। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।